अगर आपको 10 बॉल में आपको 30 रन करना है, आप 30 रन करते मैच जीत जाते तो आप हीरो बन जाते। नेट में और एक था कि रणजी ट्रॉफी में अगर स्वीप मारते थे ना आड़ा मारते मैंने कार काट। सुनील ने मुझे बोला तेरा मौका बोले अभी तू बड़ा रन। गौतम गंभीर या सहवाग को कवर ड्राइव कैसा खेलना सिखाऊंगा? नहीं, वो ऑलरेडी खेल रहे थे। लेटर का मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ, जो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स थे वो चाहते नहीं थे कि सचिन दिलीप वहाँ ही बैठ कर रोने लगे। क्योंकि हर का मैच था ना, दिलीप वेंसर का 100 बैटिंग कर रहा है 34 पे, तो एक दो रन नहीं हो सकते। सचिन बोला आई वॉन्ट टू गिव यू अ गुड न्यूज। मैं सर क्या है जल्दी बताओ। बोला यू हैव बीन अपॉइंटेड एज कोच ऑफ द इंडियन टीम फॉर 2007। वाओ, गौतम गंभीर। हाँ, ही वॉज द बेस्ट प्लेयर इन दैट वर्ल्ड। पता होगा या नहीं होगा, सचिन मेड इज डेब्यू व्हेन आई वाज कैप्टन फॉर मुंबई रणजी ट्रॉफी में आना ही बहुत बड़ी बात है। लोग कहते थे कि मुंबई रणजी ट्रॉफी में आएंगे मतलब इंडियन टीम के बराबर। कपिल टॉस को गया, उसने देखा कि इसका तो उसने उसका नाम कट किया मेरा नाम। वाओ, और मुझे बताया नहीं। अच्छा, हार्डर यू वर्क लकियर यू। वाह, मैं अब हार्ड वर्क। तो मैंने 200 बनाया तो फिर लोग फिर बात करने लगे नहीं यार उसको लेना चाहिए। हाँ, लेकिन वो कपिल ने टीम में लेके रखा खिलाया। बाद में मेरे को शोएब मलिक मिला। हाँ, सर आपने क्या किया? बोला हमने कपिल, हमको पता है हमारा कोई तो कोई बताया नहीं। थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव एंड प्ले पॉजिटिव। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ट्रिकी माइंड चैनल पे। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनको वैसे तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी हुई है, खेल के भी और कोचिंग करके भी। उनका नाम है लालचंद राजपूत। वेलकम सर, वेलकम टू ट्रिकी माइंड्स। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। आजकल क्या चल रहे हैं वो बताओ? आजकल तो खाली वर्ल्ड कप चल रहा है T20 और अच्छे मैचेस हो रहे हैं और एक अच्छा फील हो रहा हूँ, क्योंकि मैं जब जिम्बाब्वे को कोच किया कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जिम्बाब्वे इतना तक पहुँचेगी, लेकिन इस वर्ल्ड कप में साबित कर दिया कि जिम्बाब्वे एक टीम है जो कि कम्पीट कर सकती है। जिम्बाब्वे का जो पुराना प्लेयर था 99 में जो इंडिया को कम्पीट किया था, वो प्लेयर अभी दिख रहा है उस टीम में, अभी आ रहा है। बिकॉज उनके काफ़ी अच्छे प्लेयर थे बड़े, जैसे एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर, उन लोग के कैम्बल, उन लोग सब चले गए। तो उनमें भी एक प्रॉब्लम, उधर भी एक ये था प्रॉब्लम था उनका, काफ़ी प्लेयर लोग वहाँ छोड़ के चले गए। तो लोग लास्ट 15 साल से क्वालिफाई नहीं हुई। तो जब मुझे बुलाया गया था तो एक ही में कंडीशन था कि मुझे उनको क्वालिफाई कराना है, उसके बाद अपन ने, तो मैं 3-4 साल से लगा उनके पीछे। और अच्छा लग रहा है उनको देख के कि यू नो जिस तरह से वो खेल रहे हैं, उनकी फील्डिंग बहुत मानी जाती थी पहले, ये जिम्बाब्वे की फील्डिंग बहुत अच्छी थी, वो फिर से आई है, बॉलिंग अच्छा कर रहे हैं। यस, बैटिंग में हमको थोड़ा सा और मेहनत करना है, क्योंकि हम काफ़ी डिपेंड करते हैं दो प्लेयर के ऊपर, दो तीन के ऊपर, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ ना, वर्क इन प्रोसेस है यू नो। तो आने वाले वक्त में डेफिनेटली ये टीम एक अच्छी टीमों को भी टक्कर देगी। जी, ये जो T20 वर्ल्ड कप है 2022 का, इस वर्ल्ड कप में तो जिम्बाब्वे ने एक अलग ही अपनी छाप छोड़ी हुई है। मतलब पाकिस्तान जैसे बड़े टीम को हरा के, बांग्लादेश जैसे टीम के साथ एक नैरो लॉस था। ओके, वो कहते हैं ना कि खाना इधर तक आया था लेकिन खा नहीं पाया। तो क्योंकि अगर हम जीत जाते तो शायद हम लोग क्वालिफाई भी हो जाते नो, बिकॉज अच्छा मौका था इस टाइम हमको क्वालिफाई होने का। पहले तो हम कह रहे थे खाली क्वालिफाई होना है, फिर बाद में टॉप 12 में आना है, फिर टॉप 12 के बाद दिनों टॉप 4 में आना है। तो आई थिंक इस साल तो अभी डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली ये टीम आने वाले वक्त में काफ़ी ऊपर है। सर, यही प्रोग्रेस है ना, मतलब धीरे धीरे धीरे, वन टारगेट एट अ टाइम, कि पहले क्वालिफाई हो जाओ, क्वालिफाई होने के बाद सर्वाइव करो, सर्वाइव करने के बाद फिर सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन के लिए। आप एकदम कोच मेंटेलिटी के हिसाब से बात कर रहे हो। कहते हैं ना कि वन गेम एट ए टाइम, आपको आज अच्छा खेलना है। देखो, आप आगे की नहीं सोचते हैं, पीछे क्या हुआ ये कोई मतलब क्या। मैं तो हमेशा कहता हूँ T20 में कोई फेवरेट नहीं है मेरे हिसाब से, बराबर। क्योंकि जो टीम उस दिन अच्छा खेलेगी वो टीम जीतेगी। क्यों अच्छा खेलेगी? आपको तीनों स्किल लेवल में अच्छा खेलना है, जैसे कि बैटिंग में, बॉलिंग में और फील्डिंग में। अगर आप बैटिंग में अच्छा करते हो और फील्डिंग अच्छा नहीं करते, कैचेस छोड़ते, तो फिर तकलीफ होगी आपको, मतलब डिफिकल्ट होगा आपको जितना। इसीलिए आपको उस दिन तीनों स्किल लेवल अच्छा करना है। लास्ट मैच में भी इंडिया का मैच में हमने काफ़ी रन आउट मिस किए, कैचेस ड्रॉप किए, तो हमको हार का साबित यू नो करना पड़ा। लेकिन T20 एक अच्छा ऐसा फॉर्मेट है जो कि प्लेयर को लाइसेंस देता है
एक्सप्रेस करो आप जाके जाके बिंदास खेलना है आपको, कोई ये नहीं है जैसे हम लोग टेस्ट मैच खेलते थे या रणजी ट्रॉफी खेलते थे, पहले 10 ओवर आराम से खेलना हाँ। है आपको इनिंग्स बिल्ड करना है right. फिर बाद में लास्ट में मारना है, वो सब बात नहीं। ये एक फॉर्मेट है कि प्लेयर को जीरो से हीरो बनाए। वाओ, एक ओवर में आप एक सुपरस्टार बन सकते हो, अगर आपको 10 बॉल में आपको 30 रन करना है और आप 30 रन करते मैच जीत जाते तो आप हीरो बन जाते हैं। अगर लास्ट ओवर में 6 रन चाहिए और आप 6 रन नहीं देते एज अ बॉलर, आप उनको 4 रन देते हैं मैच जीत जाते हैं एक रन से, आप सुपर हीरो बन जाते हैं। दोस्तों ये कौन बात कर रहे हैं मालूम है, जिसने सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट खेला है एंड दैट टू फॉर मुंबई सर, मुंबई के लिए आपने रेड बॉल क्रिकेट खेला हुआ है, उसकी तरफ आते हैं। पहले तो बताइए आप मुझे, अगर मैं आपको पूछूंगा कि कोच का मतलब क्या होता है एक स्मॉल इसमें, तो कैसे बताओगे कोच मतलब क्या? कोच आपका फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। अच्छा, ये तीनों चीज़ें आपको डिक्टेटर जैसा नहीं होना, आपको साथ मिलकर काम करना है, आपको मेन थिंग आपको कॉन्फिडेंस देना है प्लेयर को। अगर प्लेयर, देखो प्लेयर ऑलरेडी प्रेशर में होते हैं, एक तो प्रेशर होता है सिलेक्टर्स का, एक तो प्रेशर होता है फैमिली का, एक तो प्रेशर होता है पब्लिक का, और सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है मीडिया का। ओहो, क्योंकि मीडिया लिखते रहे ये ऐसा है वैसा है, तो ये चार प्रेशर होता है, और उसमें अगर मैं कोच एज अ कोच उनको प्रेशर दूँ तो क्या खेले, तो मैं उनको पॉजिटिव देता हूँ कि नहीं ये सब भूल जाओ, ये सब आप अगर अच्छा करेंगे तो यही लोग लिखेंगे आपके बारे में अच्छा। वाह, तो ये तीन चीज़ें करना है एज अ कोच, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड, और आपको उनको पॉजिटिविटी करना है, पॉजिटिव ऑल द टाइम पॉजिटिव। मैं तो हमेशा दिमाग में है एक कहावत है नो पॉजिटिव का, वो इंग्लिश में है, थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव एंड प्ले पॉजिटिव, बहुत रिजल्ट्स विल कम ऑटोमेटिक। बहुत बेहतरीन कहा, ये कितना सुन के कितना मोटिवेशनल लगता है। चलो आपके बचपन के बारे में बताइए सर। इम्पॉर्टेंट है कि मैं कभी हैरिसशील गाइशील नहीं खेला, मेरा क्रिकेट स्कूल में नहीं था, क्योंकि मैं अनुशक्ति नगर में रहता था, मैं पैदा वहीं हुआ, मेरे पिताजी BRC में काम करते। अच्छा, तो हमारा स्कूल था सेंट्रल बोर्ड स्कूल, ये दिल्ली बोर्ड, अनुशक्ति चेंबूर में। स्कूल में नो क्रिकेट, ओनली पढ़ाई। अच्छा, तो 8वीं या 9वीं में हम लोग थे, तो ऐसे जो समर वेकेशन नेट होता है ना, हाँ हाँ, तो कोई तो बोला कि RCF में नेट है। अच्छा, हम लोग तब 8वीं या 9वीं थे, हमको पता भी नहीं था, हम खाली टेनिस बॉल खेलते थे। बराबर, तो सीजन बॉल का पता नहीं था कोई, तो कोई तो कहा कि अरे RCF में जाओ, वहाँ पे फ्री कोचिंग है MC मुंबई के रेस्टोरेंट से, को हमको पता नहीं था कौन कोच था क्या नहीं, तो हम वहाँ पे गए, तो हम सबसे पहले मालूम पड़ा कि आचरेकर सर है। माय गुडनेस, तो हम लोग नाम सुने थे आचरेकर सर, तो पहला सर ने पूछा हैरिसशील गाइशील खेला, बोला नहीं, तो बोला बाजू में आ जाओ, बाजू में किया, तो उनका सब ट्रायल हो रहा था, ट्रायल होता, फिर बाद में हमको बुलाया, बोला अच्छा आप लोग, तो मेरे पास शूज़ नहीं थे, मैं चप्पल में था। अच्छा, बोला अरे तुम्ही प्रैक्टिस लाला क्या चप्पला लाला सर, नहीं तो आम्ही टेनिस बॉल खेळणार आहे, तरी पण सर आम्हाला एक चान्स द्या सर, बोला ठीक है अच्छा आप बैटिंग करो, तो पैड वैड कुछ नहीं थे, हम इसका पैड किसका पैड लेके बैट लेके हम लोग मैंने बैटिंग किया, तो सर को क्या पसंद आया पता नहीं, बोला अरे तुम इतना अच्छा खेलते, बोला सर हम टेनिस बॉल खेलते। अच्छा, तो मैं स्वपन मित्रा और मृदु चतुर्वेदी, हम तीन वो कॉलोनी के थे, हम चल के आए थे वहाँ से BRC से RCF चल के आए, बाप रे, तभी बस के भी पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरे फैमिली में मैं बड़ा था और मेरे को 4 सिस्टर थे। ओके, हाँ, और पिताजी अकेले कमाए, तो बोला क्रिकेट बहुत एक्सपेंसिव है, क्रिकेट विकेट खेलना राइट है। तो वहाँ पे गए, तो प्रैक्टिस में गए, तो सर ने हम लोग को सिलेक्ट कर लिया, तीनों को सिलेक्ट किया। वाओ, तो हमें भी अच्छा लगा कि हम दररोज चल के आते थे। तो सर ने जैसे जैसे टाइम बीता, सर ने बोला कि आप स्कूल चेंज कर दें, वो शारदा सर में आना है। मैंने बोला कि सर आप घर में आके बात करो पिताजी से। बोला ठीक है, तो सर ऊपर आते थे और मेरे पिताजी से बात किया, तो मैं 9th standard में। अच्छा, जी ने बोला देखो अभी हमारा दिल्ली बोर्ड है, यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड होगा, बराबर, तो आप 10th के बाद आप चेंज करो, तो उसको 10th तक दिल्ली बोर्ड में रखो। तो फिर सर फिर भी नहीं मानते थे। अच्छा, सर फिर सर बोलते नहीं, इसका पास बहुत अच्छा टैलेंट है, उसको शारदा से मैं जानती हूँ, लेकिन बिकॉज हमारा दिल्ली बोर्ड था इसके लिए वो नहीं हुआ, तो भी हम प्रैक्टिस को रेगुलर जाते थे सर। अच्छा, वो समर वेकेशन में फिर सर ने हमको बोला कि ससानन पे आओ, जब समर वेकेशन नहीं है आजाद मैदान में प्रैक्टिस करते थे। फिर 10th के बाद जब ये हुआ तो मैं रिया कॉलेज में मेरे को एडमिशन मिला।
नहीं मिला नहीं, सर ले गए। अच्छा। बोला अभी टेंथ में, क्योंकि शरद में 11 12 तभी इतना नहीं था, खाली स्कूल ही था टेंथ। राइट राइट। बोला रुलिया कॉलेज की टीम अच्छी है। हाँ। तो वहाँ तो जब मुझे वहाँ ले गए तो संदीप पाटिल के क्रिकेट इंचार्ज, वो कैप्टन थे। वाओ। तो उसने बोला कि हरीश शील कुछ कटिंग है? मेरे पास कुछ कटिंग नहीं था। बोला हम एडमिशन नहीं देंगे क्योंकि हमारा रूल है क्रिकेटर का लेना है तो कुछ तो कटिंग होना चाहिए, गाइल शील या हरीश शील कुछ आपके। मैंने कुछ नहीं। सर बोले अरे लेकिन मैं ही बोल रहा हूँ बहुत अच्छा प्लेयर है मेरे यहाँ के। बोला कि नहीं सर, हमारा कॉलेज का रूल है हाँ कि हरी शील गाइल शील्ड होगा तो हम लेंगे लेंगे। तो सर नाराज़ हो गए बहुत। हाँ। बोल रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहे। फिर एक दो दिन गए, सर भी बहुत अपसेट थे। फिर घर आए, मैं बोला सर एक काम करता हूँ नॉर्मल में लेते हैं। हाँ। क्योंकि मेरा परसेंटेज बहुत अच्छा था। बोला आप स्पोर्ट्स में करके मत लो, आप नॉर्मल में ले लो। करेक्ट। फिर कितने परसेंटेज मिले थे मेरे को? 79। वाह। टेंथ में मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे थे आप? मैं बहुत अच्छा था, मैं बोलता हूँ आगे। 12th में भी मेरे को 81 थे। अरे वाह। तो 11th में वो भी मेरे पिताजी बोल रहे थे कि मैं साइंस में लेना है क्योंकि मैं नॉर्मल लेगा तो साइंस में लूँगा। राइट। मेरे को 79% थे तो मुझे नॉर्मली साइंस में मिल गया। हाँ। तो फिर सर ने बोला ठीक है। जब उनका सिलेक्शन था तभी वासु परांज पे उनके कोच थे रुया के। अच्छा। तो मुझे सिलेक्शन में गए तो सेम स्टोरी, हरीश शील जो खेला है बाजू में आ जाओ, गाइल शील तो मुझे लिया ही नहीं सिलेक्शन में। तो मैं सर के पास गया, सर के मैं रोने लगा। बोला सर मुझे लिया नहीं। तो बोला नहीं मेरे तो मणे है नो। फिर वो उनके 15-18 निकाल लेते हैं। हाँ। है ना। तो फिर सर ने वासु परांजपे से बात किया। अच्छा। सर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मतलब ऐसा है कि उसको लगा कि ये क्रिकेट में कुछ तो है। हाँ। वो स्पॉट किया था। हाँ। तो वासु परांजपे से बात किया कि इसको लिया नहीं आपने? तो वासु ने बोला सर उसने हरीश शील गाइल शील्ड नहीं खेला तो हम नहीं ले सकते। बोला वो तो ठीक है, आप उसको देखो ना नेट में प्रैक्टिस करने के कैसा है। बराबर। तो उसने बोला ठीक है कल भेज दो। तो फिर मैं नेक्स्ट डे गया प्रैक्टिस में, गया तो मुझे बैटिंग भी नहीं करनी। तो देखा बोला, और मैं ऑफ स्पिन भी डालता था लेकिन इतना नहीं, लेकिन मेरा मेन तो बैटिंग बैटिंग था। उसने बोला कि नहीं हमारा तो ओपनर हो गया, हमने 3 ओपनर ले लिए। अच्छा। सर ने बोला एक काम करो उसको नेट में प्रैक्टिस के लिए तो बुलाओ कोई भी। तो मुझे 18th या 19th वहाँ प्लेयर लिया। ओके ओके। तो प्रैक्टिस में फिर मैं टीम में नहीं था तो मुझे बैटिंग नहीं मिलती थी। जो आज के तारीख में बोलते हैं स्क्वाड रिजर्व। हाँ रिजर्व रिजर्व प्लेयर। तो मैं जाके सिर्फ फील्डिंग करता था, वो बॉल मारते थे बाकी में बॉल लाके। तो मैं भी एकदम परेशान हो गया यार। बोला एक महीना क्या करेंगे बैटिंग, कभी एक दिन बैटिंग मिलता था। अच्छा। हाँ 15 दिन में एक बार बैटिंग ऐसे, लेकिन जुनून बहुत सारा, मुझे कुछ करके दिखाना है। पहला मैच कॉलेज का। अच्छा। उसके 2 दिन पहले हमारे 2 ओपनर इंजर्ड हो गए, कुछ एक गिर गए उसका। हाँ। तो एंकल कुछ स्वेलिंग हो गया और एक का कुछ उसका बैक का प्रॉब्लम। अच्छा। तो मैं रिजर्व में था ही, तो पहला मैच, मैच के पहले दिन मुझे वासु परांजपे बोला कि उनका टाइम आ था डाक पाला तुम्हें मंटा ना चांगला। हाँ वो सर मैच हो गए, पहला मैच था विल्सन कॉलेज का। अच्छा। पहला मैच किधर था याद है? माटुंगा में। माटुंगा। अच्छा। 110 पहला मैच, फर्स्ट मैच मिस्टर लालचंद राजपूत स्कोरिंग 110 रन। तो सब नाम होने लगा, तभी मैं 100 तो मुझे ड्रॉप नहीं कर सकते। हाँ। सेकंड मैच फिर 100 किया मैंने, पहले 3 मैच में 300। वाओ। वहां से मेरा ग्राफ ऊपर हो गया। लक में बिलीव कर दो बहुत। हाँ। शायद वो 2 ओपनर इंजर्ड नहीं होते तो थे, मैं नहीं खेलता तो आज मैं यहाँ नहीं, आप बैठते नहीं थे, बात नहीं करते थे। और वो सर के एक और सर ने बहुत उनको फोर्स किया कि नहीं स्कूल दो, स्कूल दो, यू नो वो उसका अच्छा प्लेयर। तो सर भी चाहते थे कि मैं यू नो मुझे मौका मिले। सर जरा सुपरस्टिशियस और लक में क्या डिफरेंस है? सुपरस्टिशियस आप ब्लाइंडली बिलीव करते हैं। ओके। लक कैसा है? मेरा एक मानना है हार्डर यू वर्क लकियर यू बिकम। वाह। मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, मंगेश को पता है, इनको देखा है कि मैं सुबह चल के आता था, मेरे पास बस के लिए पैसे होते, मैं चल के यहाँ पे आता था तिलक नगर में। ये लोग खेलते टेनिस बॉल से, बहुत दिनों खेलते मुझे उसमें बरसात में रोड रबर बॉल से। तो मतलब मेरे में बहुत ये था कि कुछ करना है, तो मैं बहुत हार्ड वर्क करता था। जब प्रैक्टिस मुझे बैटिंग नहीं मिलती थी ना तो नेट खत्म हो जाता ना, तो मैं एक को बुलाता था, मालिक को बोलता था थोड़ा बॉल डालना, तो मैं अकेला बैठा। अच्छा। तो मुझे वो था कि नहीं अपना कुछ करना है। वो तब से वो जिद थी, जिद थी, वो जिद अभी तक है मेरे में। मैं कुछ कुछ काम लिया हूँ तो मुझे जिद कि मैं ये करना अचीव करना चाहिए। कॉलेज क्रिकेट के बाद फिर क्लब क्रिकेट
कैसे मिला क्लब? तो जब मैं कॉलेज में था तो पहले हम लोग अनुशक्ति नगर क्लब से खेलते थे। अच्छा। हाँ, तो वो लोड जो था लास्ट जी डी बी तो जी डी से जब मैं कॉलेज में 300 किया तो राजस्थान स्पोर्ट्स क्लब करके था। तो उनका उसमें प्रदीप सुंदरम के पिताजी खेलते थे जो टेस्ट प्लेयर। अच्छा। और प्रदीप सुंदरम भी रिया बाज में सीनियर टीम में खेलते थे। तो उसने मुझे बोला कि आप, और राजन श्रीवास्तव करके थे वो सेक्रेटरी थे वहाँ पे राजस्थान स्पोर्ट्स, तो उन लोगों ने मुझे पहला पिक किया। मतलब क्योंकि मैं सर के साथ खेलता था, ससैन में खेलता था, तो तभी ससैन भी नीचे के डिवीजन में थी। अच्छा। तो मैंने बोला सर मुझे अपने नहीं बने ए डिवीजन खेला था, मैंने ए डिवीजन खेला था। तो बोले कि जाओ चांस ए डिवीजन खेलने में जाने का। अच्छा। लेकिन नीचे डिवीजन में हमारा बोला जितना आप ऊपर खेलने में, तो फिर मैं राजस्थान में मुझे लिया। और यू वोंट बिलीव, मेरा पहला साल राजस्थान हम कांगा लीग चैंपियन बन गए। वाओ। और अच्छा, वो जो जिस साल आपने 300 किए थे कॉलेज में, वो साल आप चैंपियन थे, जीते थे? नहीं, हम लोग सेमीफाइनल फाइनल में हार गए थे। ओके। और बाद में तो नॉकआउट ही रहते थे लाइक, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम वापस चैंपियन नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर में फिर फाइनल में 100 किया। तभी से लालचंद राजपूत ने स्टैम्प कर दिया था दैट आई अराइव्ड ऑन द सीन। सीन ना, कभी सब लोगों पता चला कि नहीं कोई तो भी है कि जो खेलता है, खेल रहे हैं। नाम मेरे पिताजी कभी क्रिकेट नहीं खेले, हमारे फैमिली में कोई क्रिकेट नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं है, कोई दूसरे स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से कोई भी। मेरे पिताजी बीआरसी में काम करते, एक साइंटिस्ट थे, तो वो मुझे चाहते थे कि मैं भी साइंटिस्ट बनूं। अच्छा। मतलब कैसा था, हर एक ये चाहता है कि मैं रिटायर हो जाऊं तो मेरा लड़का वहां पे लग जाए। करेक्ट करेक्ट। और उनका जो फ्रेंड सर्कल था उनमें यही बात होती, तेरा लड़का क्या करता है, मेरा लड़का तो अभी ये कर रहा है। तो यू वोंट बिलीव, मेरा सब्जेक्ट 11th और 12th में मेरा न्यूक्लियर फिजिक्स था। वाओ। केमिस्ट्री। अच्छा। हाँ, और मैं साइंस लिया था 12th। हाँ, मतलब यहाँ पे आपने कहा कि डैडी साइंटिस्ट है, वहाँ पे तो आपको बाय डिफॉल्ट साइंस लेना ही है। तो मैं साइंस था, फिर 12th के बाद फर्स्ट ईयर में मैं मुंबई रणजी ट्रॉफी के लिए सेट हुआ। एक रॉ एज था वो। हाँ, मैं 19 था 12th में, मैं अंडर 19 खेला इंडिया के लिए। हाँ। तो उसके बाद डायरेक्टली हमको मफतलाल टीम ने किया, मेरे को, चंदू को और राजू को, राजू तीनों। हाँ, फाल। तो हम लोग को मफतलाल टीम ने पिक किया। तो अशोक मानकर के अंडर हम लोग काफ़ी हमको एक्सपोजर मिला। सो दैट वाज योर फर्स्ट कॉर्पोरेट टीम, वो आपका पहला कॉर्पोरेट मफतलाल। मैं जब 11th 12th तक स्टार्ट, मैं 19 साल का था। सैलरी आ रहा है 800 रुपये पर मंथ? पर 800 रुपया बहुत बड़ा लगता रहेगा ना। हाँ, तभी तो ऐसा था कि 800 रुपया इतना लगता था कि यार तो अच्छा अचीव किया, घर में भी ऐसा लगता था। घर पे लाके जब आपने सैलरी दिया, कैसे लगा? बोला कि जो आपने मेहनत किया क्रिकेट के लिए, आपने जो चाहा था वो हुआ, और आपको उससे ये पैसे मिल रहे, मतलब यू हैव अचीव समथिंग। मुंबई के सफ़र पे और आते हैं, मुंबई के ड्रेसिंग रूम में आप जा रहे हो एज अ 19 ईयर ओल्ड, नॉट इवन 19 था। मैं इंडिया के लिए अंडर 19 खेला तो भी मैं, उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब मफतलाल के खेला एक साल, उसके बाद तो मुंबई खेल के इंडिया खेले ना आप, या डायरेक्टली इंडिया 19 खेले? अंडर 19 डायरेक्टली अंडर 19। वाओ, दैट्स ग्रेट। मैंने मुंबई खेले ही नहीं थे तभी। कौन था कैप्टन इंडिया अंडर 19 का? रवि शास्त्री। बहुत मिलते जुलते थे। हाँ, मुंबई प्लेयर, मुंबई थे ना, मुंबई के प्लेयर थे। फिर बाद में उसके बाद मैं मुंबई के लिए गया रणजी ट्रॉफी, तो फिर काफ़ी मुलाकात होने लगी और फिर काफ़ी शेयर करने लगे। फिर यू नो, फिर वो डिफरेंट ही हो गया एक रूट मेरा, क्योंकि मुंबई रणजी ट्रॉफी में आना ही बहुत बड़ी बात थी। लोग कहते थे कि मुंबई रणजी ट्रॉफी में आएंगे मतलब आप इंडियन टीम के बराबर। सर, आपने मेरे मुँह की बात छीन लिया। मुंबई रणजी ट्रॉफी में खेलना वॉज एज गुड एज मेकिंग इंडिया डेब्यू। मतलब आप इंडिया खेल सकते दूसरे स्टेट से जाके, लेकिन मुंबई रणजी ट्रॉफी नहीं खेल सकते। तभी मुंबई के 7-8 प्लेयर इंडियन टीम में खेलते थे, प्लेइंग इलेवन में। सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, संदीप पाटिल, रवि शास्त्री, बलविंदर सिंह संधू, सुरू नायक, यस, और फिर हम यंगस्टर थे, मैं, चंदू और राजू। क्या जबरदस्त नाम लिया आपने। क्या टीम थी हमारी, तो मतलब ऐसा वो टीम में हम अंदर ड्रेसिंग रूम में आते थे, ऐसा डर लगता था कि ये सब दिग्गज लोग बैठे हैं, क्या कहें, क्या बात करेंगे। और पहले के ड्रेसिंग रूम में था, सबका सीट एलोकेट होता था। हाँ। तो हम लोग डर डर के थे किसका कहाँ पे, तो मैं पता नहीं था मुझे, तो मैं जाके ऐसा बैग रख दिया। हाँ। फर्स्ट डे में, राइट फर्स्ट डे। अच्छा। तो वहाँ से दिलीप वेंगसर कराया, बोले एक कोना जी बैग है, मैं इतने का भी बस में बता दिया। इसमें बोला सॉरी सर, मेरे को पता नहीं, बोला ही सीट लास्ट 10 वर्षों से, मुझे
हर एक प्लेयर का सीट 10-10 साल खेल रहे थे तो हम लोग को तो मेरे मन में इतना था मैं जो सीट पकड़ूंगा उसका 10 साल से ज़्यादा। अच्छा, तो भी डिसाइड कर दिया। और मैं जब डेब्यू किया उसके बाद मैं 10 साल विकेट बिंग मुंबई रेंजर्स वो ये तो एक एक्सपीरियंस हो गया दिलीप सर के साथ। और बाकी के सब जो थे वो गावस्कर मेरा आइडल था राइट, मैं हमेशा एज ए ओपनर। चलो आपने मेरे क्वेश्चन कट कर दिया क्योंकि जब हम छोटे थे तो उसको देखते थे कि वैश्वि ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया तो लगा कि यार आपको बिल्कुल कैसा बनना है तो कैसे बात करेंगे। तो मैं और चंदू हम लोग बोले तो मैं बोला सर उसने हमको डांट दिया चंदू माला अजीब सर बोला से नहीं नावा नहीं बोला से। अरे वाह, हमको थोड़ा ईजी लगा है बोला हाँ सुनील सर सर बोला ऐसा नहीं। अच्छा तो बहुत ही हो गया हाँ बोला ना हम लोग सर कैसा बैटिंग हम लोग पूछना था है ना कि बोला काय नहीं बोले तुझे बैटिंग का है जैसे बैटिंग करायचं आणि बघून शिकायचं। ओह, मैं उसको बहुत क्लोजली वॉच करता नेट में बैटिंग करता कैसे खेलता है नया बॉल क्या है ना मतलब वो हमको काफ़ी एक्सपीरियंस। अच्छा, सुनील गावस्कर एक अलग ही मतलब एलिगेंस मतलब वो फ्लेग ड्राइव कट्स उसका बैट मुझे लगता था कि 4 फीट 4 इंच का नहीं है 10 इंच का है या 10 फीट का 4 फीट बोलता हूँ मैं ऐसा इतना बड़ा लगता था क्योंकि बहुत पास ही नहीं होता। अच्छा, ऐसा स्ट्रेट क्या कॉन्सेंट्रेशन और टाइमिंग क्या कितना भी जोर से बॉल आने दो 140-150 कुछ फर्क नहीं और उतना ही गुड विद स्पिन फिट मूवमेंट बहुत बहुत जबरदस्त वेरी क्विक स्टेप आउट होकर खेलना है ना वो तो इतना स्वीप नहीं मारते थे ना पहले नेट में और एक था कि रंजी ट्रॉफी में अगर स्वीप मारते थे ना कहाँ आड़ा मारते मैंने बाहर काट नेट से बाहर लेकिन आजकल देखो स्वीप तो छोड़ो रिवर्स स्वीप ये सब आने लगे हैं ना ये आपके खेलने के ज़माने का अलग क्रिकेट अलग अलग अभी पहले सामने के भी कोई इम्पोर्टेंस था अभी सुनील ने दो चीज़ बोला आपको नया बॉल खेलना है सबसे इम्पोर्टेंट है आपको आपका ऑफ स्टंप मालूम होना चाहिए अच्छा आप कैसे बॉल छोड़ते हो और दूसरा आपको सीधा खेलना आपको फील्डर पीछे देखना ही नहीं है आपको खाली सीधा ये खेलना और कुछ क्या कहा सर ने प्लीज़ ध्यान में रखिए ओके बहुत बड़ा टिप था ना वो टाइम बहुत ही मतलब इतना खेलने का ओके मुंबई रणजी ट्रॉफी का सफ़र बढ़ रहा है आगे तो एक मैं किस्सा याद दिलाता हूँ आपको 1991 का रणजी ट्रॉफी फाइनल वो कभी नहीं भूलूंगा कभी नहीं ऐसा उस दिन इतना रोए हैं लोग हाँ मतलब बिलीव नहीं कर सकता कि हम हारे हो मतलब जीत के हम हारे मतलब हमारा पोजीशन इतना अच्छा नहीं था बराबर दिलीप वेंगसरकर ने जो बैटिंग किया है आउट ऑफ द वर्ल्ड और बेस्ट बॉलिंग अटैक कपिल देव चेतन शर्मा घाई और एक भंडारी करके ऑफ स्पिनर था और वो इंडिया के लिए खेलने का यू नो उसका बहुत अच्छा नॉकिंग दिलीप वेंगसरकर ने उसका खत्म किया। अच्छा 134 समथिंग और थे उसका एक ओवर में उसने 5 छक्के मारे उसको पूरा मैच टर्न हो गया वहाँ से। अच्छा हाँ और हम लोग बहुत क्लोज थे मैं दिलीप के लिए रनर था तभी मैं आने वाला था वो पॉइंट मेरे को कल किसने बताया कि जानबूझ के ये पूछना था तो मैं दिलीप के लिए रनर था दिलीप वो इंजर्ड थे इसलिए उसने ऑफ को चांस लिया भाई अलमी रहता हूँ उसने 5 छक्के मारे और पूरा गेम नज़दीक आ गया। ओके राजू कुलकर्णी भी उसके पहले राजू कुलकर्णी आउट हो गए फिर एबी कुरविला का डेब्यू मैच था 2 ओवर बाकी थे। अच्छा बैटिंग को आए उस ओवर में राजू आउट हो गए तो एबी आया तो मैंने उसको बोला 2 बॉल बाकी है ये तू प्लेट करके निकल दिलीप उस एंड से कैसे भी मारेगा थे बराबर हमको खाली 2 रन चाहिए 2 रन चाहिए हाँ ये सर ये सर वो भी परेशान और क्राउड पैक था वानखड़े चिल्ला रहे थे बोले उसको उसका दिमाग में क्या है चेतन ने बॉल डाला उसने ऐसा मारा और अच्छा मिडल ऑर्डर बैठा और सीधा स्क्वायर लेग के हाथ में गया और मैं चिल्ला रहा हूँ नहीं नहीं ये मार के भाग के निकल गया मेरे को लगा कि अच्छा बैट मिडल किया है कि 4 हो गया और भाग के और मैं बोल रहा हूँ नहीं 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 क्योंकि हमने डिसाइड किया उसका पहले ही क्योंकि 2 बॉल है खेल के निकालना क्योंकि दिलीप आराम से 2 रन कर कैसा करेक्ट दिमाग क्या है पता उसने भाग क्या है वो स्ट्रेट अमरजीत केपी था स्क्वायर लेग उसका हाथ में गया स्ट्रेट
इमोशन दिलीप वहीं बैठकर रोने लगे हमको, क्योंकि हार का मैच था, है ना। दिलीप ऐसा का 100 बैटिंग कर रहा है 34 पे, तो एक दो रन नहीं हो सकता। बट मैं तो कहूँगा डेस्टिनी था राइट, कि हरियाणा कभी रणजी ट्रॉफी जीती नहीं थी। अच्छा, कभी भी नहीं। दैट वाज द फर्स्ट ईयर, एक ही बार ट्रॉफी हमारे। और कपिल देव का ख्वाहिश था, क्योंकि कपिल देव इतना बड़ा क्रिकेटर, उनके पास से इतने अच्छे बड़े बड़े प्लेयर निकले, लेकिन कभी जीते नहीं। वो एक ही मैच था वो जीते। रिकॉर्ड बुक कहता है कि वो मैच रणजी ट्रॉफी के हिस्ट्री में सबसे क्लोज मार्जिन वाला मैच वही था, एक रन से मुंबई हार गया। ऐसा मुझे लगता है कभी हमने नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत डोमिनेट करते थे हर टीम को, तो डोमिनेट करते थे। मुंबई अगर रणजी ट्रॉफी फाइनल में नहीं आया तो फिर वो रणजी ट्रॉफी ही क्या? नहीं आया। वैसे ही होता था, क्योंकि जब मुंबई रणजी ट्रॉफी में नहीं आता तो लोगों का इंटरेस्ट चला जाता था। मतलब सीजन, और मुंबई में तो बात क्रिकेट की बातचीत ही बंद होती थी फिर, कि मतलब मुंबई नहीं है, मुंबई जितनी खेल रही है, प्रोसीड हो रही है, उतनी बातचीत और बढ़ती थी, हाइप क्रिएट होता था। और इंडियन क्रिकेट के लिए भी अच्छा था, क्योंकि अगर मुंबई अच्छा करती है तो इंडियन टीम अच्छा करती है, बिकॉज मुंबई के आधे प्लेयर इंडियन टीम में, मुंबई के। राइट राइट। रणजी ट्रॉफी की तो बात कर रहे हैं, जब भी आप रणजी ट्रॉफी खेलते खेलते आपको इंडिया का भी अपॉर्चुनिटी मिला था, तो वो कैसा, कितना कठिन टाइम था, कि आपको आप रन भी बना रहे हो, अपॉर्चुनिटी मिल रही भी है या नहीं, वो अभी आप ही बताइए। वो टाइम पे सी मैं बहुत रन करता, मैं हर साल 1000 रन 900 रणजी ट्रॉफी लेकर। अच्छा, तो मुझे मौका मिला श्रीलंका जाने का। अच्छा हाँ, तो श्रीलंका में भी जो पहला टेस्ट मैच था, तो सुनील गावस्कर नीचे बैटिंग कर रहे 4 नंबर, और मुझे ओपनिंग का चांस मिला वो मैच में, और मोहिंदर अमरनाथ इंजर्ड हो गए थे। ओके, तो मैंने पहला टेस्ट मैच में मैं 34-62 किया। अच्छा, डेब्यू पे। तो मुझे लगा कि मैं 50 किया तो मुझे और 4-5 टेस्ट मैच तो मिलेगा। राइट, यू वोंट बिलीव, मैं नेक्स्ट टेस्ट मैच भी नहीं खेला। रीज़न? क्योंकि मोहिंदर अमरनाथ फिट हो गए थे, तो उसको तो ड्रॉप नहीं कर सकते, तो मैं एक राइट बच्चा था जो कि बाहर निकाला गया। तो सब लोगों ने बोला बैड लक, सॉरी, तुम अच्छा स्टार्ट किया टेस्ट डेब्यू में, आपने 50 रन किए, 60 किया, इट इज़ अ बिग थिंग, यू नो। तो मैं भी नर्वस था। फिर नेक्स्ट टेस्ट मैच में मोहिंदर अमरनाथ फिट हो गए, तो तभी देर वॉज नो फील्डिंग कोच, नो कोच, ऐसा था, खाली मैनेजर था, क्रिकेट मैनेजर, क्रिकेट मैनेजर, और वो था जयसीमा सर, जो कि फॉर्मर टेस्ट प्लेयर। राइट, हाँ, एम एल जयसीमा। मैच के पहले जब सब वार्म अप करते ना, तो रॉजर बिन्नी को नेट में बॉलिंग डाल रहे थे, और नेट में बॉलिंग डालते उसका पाँव हो गया और एंकल स्वेल। ओ माय गुडनेस। तो मैं नहीं खेला करके, मैं सुनील को कैच प्रैक्टिस दे रहा था, सुनील थोड़ा कैचेस मार पड़े, एंड दिलीप को मैं कैच दे रहा था। तो कपिल टॉस को गया, उसने देखा कि इसका, तो उसने उसका नाम कट किया, मेरा नाम डाला। वाओ, और मुझे बताया नहीं। अच्छा अच्छा, तो वो ऐसा कैजुअली, उसका दिमाग में नहीं होगा कि वो भी अरे ये इंजर्ड है, तो अच्छा ठीक है, मैंने लालू खेल रहा है। टॉस के लिए गया हमारा बैटिंग, वो आया और मुझे बताया नहीं। श्रीकांत पैड पहन के रेडी है, अभी अंपायर जाने के लिए टाइम है 2 मिनट। हाँ, तो श्रीकांत बोला, अरे पाजी मेरा साथ पार्टनर कौन है? हाँ, उसने बोला, अरे नहीं लालू को बुला, बोले वो खेल रहे। अच्छा, तो कोई बात क्या है? बोला, अरे तुम खेल रहे? बोला, अरे मैं कैच दे रहा था सुनील को। उसने बोला, आप टीम में खेल रहे हो? तो मैं भाग के आया ऐसे ही, मैं बोला, कपिल आप मुझे बता, अरे तू छोड़, बोले पहले पैड डालना। तो मैं ऐसे ही पैड पहना और ऐसे ही गया वो मैच, मैं पहला ओवर में आउट नहीं था जीरो। और वो टेस्ट मैच हम हार गए, आपने देखना वो टेस्ट मैच। सर लेकिन 6-8 LBW दिया, क्योंकि उनका लोकल अंपायर होते थे। अच्छा, और उनको जीतना था क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट। अच्छा अच्छा, वो मैच हम हार गए, तो इट वॉज अ नेशनल हॉलीडे इन श्रीलंका, क्योंकि इंडिया को फर्स्ट टाइम। माय गुडनेस, इतना कपिल, सुनील, दिलीप, क्या टीम था, स्टार स्टडेड टीम, मतलब इंडियन टीम बोला तो। उसके बाद मेरे को कभी टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं, तो मुझे बहुत लग रहा था ना। फिर मैं दिलीप ट्रॉफी में आया वापस, दिलीप अगेन नॉर्थ जोन, जो कुंदक थी बहुत अगेन नॉर्थ जोन एट ट्रिवेंड्रम, वो हरियाणा वाला फाइनल वगैरह यार नहीं, वो तो ट्रॉफी था पहले। अच्छा, तो दिलीप ट्रॉफी में कपिल देव कैप्टन, हाँ, चेतन शर्मा, मनिंदर सिंह, कीर्ति आज़ाद, मदन लाल, हाँ, उनका फास्ट बॉलिंग अटैक, हाँ, और राजेंद्र, इनकी इंडिया की बॉलिंग अटैक, हाँ, उन्होंने पहले बैटिंग किए, उन्होंने 410 कुछ बनाया। ओके, तो सुनील ने मुझे बोला, ये तेरा मौका है, बोले अभी तू बड़ा रन कर, मिल के अगेंस्ट रन कर,
फिर वापस देखो, मतलब मेरा चांस बनेगा, वो है मैंने 221 की, उन लोग 400 बना, हम लोग 600 पे तीन और उसमें से 200 आपको। अंशुमन गायकवाड़ था ओपनिंग, बहुत जल्दी आउट है, दिल्ली में 100। अच्छा, सुनील गावस्कर, वाओ, हमने उसको पास किया। तो मैंने 200 बनाया, तो फिर लोग फिर बात करने लगे, नहीं यार इसको लेना चाहिए। हाँ। लेकिन मेरे को कपिल ने टीम में लेके रखा, लेकिन खिलाया कर, तीन साल में था, लेकिन मुझे एक भी मौका नहीं, बट दैट इज डेस्टिनी। लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे एटलीस्ट लोग टेस्ट पर करके जानते हैं, राइट, और भगवान ने मुझे जो मुझे खेलने में नहीं दिया, लेकिन मुझे कॉम्पनसेट कोचिंग में किया, क्योंकि लोग आज भी कहते हैं कि मैं इंटरनेशनल टीम का अच्छा, मतलब एक मैं टीम को टर्न अराउंड कर सकता, राइट, और आप देखिए कि इंडिया से अभी तक कोई कोच नहीं है कि जो कि बाहर के कंट्री में जाके कोच किया है और इतने साल रहा है। परफेक्ट। अभी बात करते हैं आपके कोचिंग करियर के बारे में, आपका जो कोचिंग का जो करियर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? अच्छा, उसके पहले मेरे को सॉरी आपको कट करता हूँ, कोचिंग क्यों चूज़ किया आपने? आप क्रिकेट में, अभी आपने जो एक किस्सा बताया ना 1991 के फाइनल का, मेरे आंखों के सामने वो किस्सा रेडी हो गया, आप एक बहुत ही बेहतर प्रेजेंटर हो या कमेंटेटर बोल सकते हो, तो कोचिंग ही क्यों? देखिए, मुझे क्रिकेट से जुड़े रहना था, जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने जो सीखा हूँ मफतलाल से, रणजी ट्रॉफी से, सुनील गावस्कर से, सीनियर प्लेयर से, यू नो, मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, और इसके लिए मैंने कोचिंग का कोर्स भी बैठा हूँ। ओके, उस पर बताता हूँ, क्योंकि जब इंडिया में लेवल 3 कोर्स था, ऑस्ट्रेलियन लोग आके कोचिंग किए थे, मैं इंडिया में सबसे नंबर 1 आया। अच्छा, तो उसके बाद मुझे उन लोग ने इंडिया का 2007 वर्ल्ड कप में कोच बनाया। वाओ। उसके पहले मैंने इंडिया के अंडर 15 का कोच था, उसके बाद इंडिया अंडर 19 का कोच था। अच्छा। हाँ, और अंडर 19 में जो विराट कोहली लोग ने 2007 में वर्ल्ड कप जीता, हाँ, उसके पहले 2006 में उनके पीछे था, हम लोग गए थे इंग्लैंड, हम लोग इंग्लैंड सीरीज जीते, उसके बाद हम पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में हम जीते, उसके बाद हम न्यूजीलैंड गए, न्यूजीलैंड में सीरीज जीते, उसके बाद हम श्रीलंका गए, श्रीलंका में सीरीज जीते, और जब मैं श्रीलंका में था, मेरा लास्ट मैच था हम लोग का वनडे, तब मुझे BCCI से श्रीनिवासन, तभी सेक्रेटरी थे उनके, वहाँ ऑफिस से काजी विश्वनाथन करके मुझे फ़ोन किया, मैं श्रीलंका में था, हाँ, बोला कि श्रीनिवासन आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, बोला क्या हो गया, मुझे ना कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा अंडर 19 में, तो उसने फ़ोन किया, तो मैं डर डर के फ़ोन ले रहा था कि क्या प्रॉब्लम हो गया होगा, तो उसने बोला आई वांट टू गिव यू अ गुड न्यूज़, बोला सर क्या है जल्दी बताओ, बोला यू हैव बीन अपॉइंटेड एज कोच ऑफ द इंडियन टीम फॉर द 2007 वर्ल्ड कप। वाओ। तो मैं, मेरे इसमें सब कांटा आने लगे थे कि यार, मतलब मेरा जो एक ख्वाहिश था कि मेरे को इंडियन टीम में कोचिंग करना है, yes, वो मेरा साबित हुआ, क्योंकि मैंने काफ़ी सालों से करते आ रहा था। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में 2001 में नेशनल क्रिकेट एकेडमी साबित हुआ, उसके बाद मैं 2002 से मैं बैटिंग कोच था। अच्छा। हाँ, NCA में, उसके बाद मैं कोचिंग डायरेक्टर बना। अच्छा। 2005 और 6 और 7 में था, लेकिन 7 में मुझे फिर इंडियन टीम में आया, तो मुझे छोड़ना पड़ा, और उसके पहले अंडर 19 चल रही थी, उनके पहले अंडर 19। कौन सा एकदम भारी न्यूज़ था, लोकल लैंग्वेज में भारी बोलता हो, इंडियन टीम का वो कॉल या इंडियन टीम का कोच? इंडियन टीम का कोच, इंडियन टीम का कोच, कोच बनेगा, क्योंकि इंडियन टीम का खेलना तो सबसे बड़ा था, तब से वो तो इम्पोर्ट, तभी तो कैसे था, तभी फ़ोन भी नहीं थे, हाँ, मोबाइल वोबाइल नहीं, राइट, वो लेटर आते थे घर पे। अच्छा। कि आपको सेलेक्ट हुआ, या फिर MCA में हम जब प्रैक्टिस जाते ना मुंबई के, तो वहाँ पे वो सेक्रेटरी कोई बताता, वाणी या कोई आके बताता कि आपको सेलेक्ट कर लिया। अच्छा। हाँ, तो वो तो बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि इंडिया खेलना एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहूँगा सबसे पहला तो बहुत वो है अहम, क्योंकि इंडिया को खेलने मिला टीम में, और उसके बाद नेक्स्ट बिग थिंग वाज इंडियन टीम कोच। कोच का तो बता दिया आपने कि श्रीनिवासन सर ने आपको कॉल करके बताया, इंडियन टीम का कैप किसने दिया था? तभी ऐसा कोई कुछ नहीं था, कैप सेरेमनी नहीं था तभी, नहीं तभी नहीं था, ओनली थिंग जो क्रिकेट मैनेजर, जो हमारा कोच था भैया, क्रिकेट मैनेजर था ML जयसीमा सर, हाँ, वो भी इंडिया के प्लेयर थे, काफ़ी साल खेले उन्होंने। ओके। तो वो पता था कि आप कल खेल रहे, और कैब भी नहीं देते थे। अच्छा। कैब वो टूर पे जाने के पहले ही मिलता था, लेकिन तभी वो पैसा प्रेजेंट करते थे कि आप कल खेल रहे हो। ओके ओके ओके, ऐसा। चलिए, तो कोचिंग बताइए, फिर T20 वर्ल्ड कप का आपने रेंज साथ में ले लिया, T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया, तभी प्रेशर था? देखो, हर एक कोच को लगता है कि कैम्प करें, हाँ,
टीम को जाने, प्लेयर्स को जाने, क्योंकि इंडियन टीम में सब स्टार्स प्लेयर्स थे, सहवाग था, गौतम गंभीर था, हरभजन थे, यू नो, इरफान, अजीत अगरकर, अजीत अगरकर तो शायद बॉम्बे का तो मुझे जानता था, और तो कि मेरे जूनियर थे तो, लेकिन जो जो बाहर के प्लेयर थे मैं जानता नहीं था इतना। तो आपको पता नहीं होगा ये टूर के लिए कैंप भी नहीं हुआ। अच्छा, हम लोग यहाँ से 5-6 लोग इंडियन टीम के यहाँ से गए, हाँ, जोबर बराबर, और कुछ लोग इंग्लैंड से आए जोबर, जोबर हमारी टीम पूरी मिली, हाँ, जोबर के बस में। अच्छा। तब एक मेरे को जाने लगा कि अरे नाइस मीटिंग, हाँ, ऐसा था। तो ये सफ़र बहुत ही, यू नो, अजीब सफ़र था मेरा, यू नो, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, और मुझे लगता कि होगा भी आगे, कि कोच को पूरे टीम नहीं मिला और कैंप नहीं मिला, क्योंकि नॉर्मली कोच हुआ तो कैंप मिलता है कि यू हैव अ वन वीक तो भी कैंप होता ही है। और हम बस में मिले सब, और बस में फिर से हम होटल गए, फिर होटल जाने के बाद फिर मैंने माही को बोला कि मुझे आपसे बात करना है, एज ए कैप्टन था, तो बोला आप फ्रेशन होंगे, हम मिलते हैं। फिर उसके बाद मेरा सफ़र वहाँ से स्टार्ट हुआ। मेरे ख्याल से क्रिकेट हिस्ट्री में किसी को पता नहीं रहेगा, जो T20 वर्ल्ड कप हम जीते हुए वो टीम असेंबल हुई है एक बस में, ये रेयर फैक्ट है, किसको मालूम ही नहीं है ये, बहुत रेयर है। T20 फॉर्मेट नया फॉर्मेट था, हम लोग को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, हमने खाली एक मैच खेले थे उसके पहले, और मुझे तो BCCI भी ऐसे ही कहा था कि जाके आ जाओ, कोई प्रेशर नहीं था, कि हमें कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करते हम जीतेंगे करके। तो मेरा एक ये है, ऑलवेज एज अ कोच मैं रूल्स बहुत पढ़ता हूँ, लॉस क्या है टूर्नामेंट, तो मैंने माही से डिस्कस किया, देखो इसमें अगर मैच टाई होगा तो बॉल आउट है। सर क्या बोलने वाला कि बोला जैसा फुटबॉल में होता है पेनल्टी कॉर्नर वैसा है, तो आप उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो तभी हम लोग हर प्रैक्टिस सेशन में, मैंने वेंकटेश के साथ बॉलिंग कोच था, उनको बताया, मैंने बोला कि आप उनको इसका प्रैक्टिस करना चाहिए। नहीं सर क्या है सर, बोला नहीं कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, आप उनको प्रिपेयर होना चाहिए, राइट। तो हर नेट सेशन में हम 3 टीम डालते थे, 5-15 प्लेयर थे, हाँ, और आपस में ऐसा कंपटीशन करते थे कि जो सबसे ज़्यादा मारेगा, हाँ, नो, और हमें उसमें पता चला कि जो स्लो डालते थे, हाँ, वो सबसे ज़्यादा मारते थे, ओके, स्टंप को, और सबसे ज़्यादा रॉबिन उत्तपा मार और लकीली पहले ही मैच में हमारा मैच टाई हो गया, हाँ, तो हम वेल प्रिपेयर थे उसके लिए, क्योंकि आपने देखा कि हमारा तीनों पहले थे सब स्पिनर ही थे जो टीम में खेलते थे, उनसे ले रहा, तो पहला सहवाग, हरभजन, फिर उत्तपा, करेक्ट, और उन लोग ने मीडियम में उमर गुल डाला और उधर दूसरा वो था और एक फास्ट बॉलर, और तीसरा था अफरीदी, उनका लगा है कि वो फास्ट बॉलर क्या होता है, और उसमें एक और एक रूल था कि आपको रिस्ट्रिक्शन करना है आपका रन अप, हाँ, 10 से 12 यार्ड का, तो फास्ट बॉलर जब छोटे रन डालते हैं ना उतना एक्यूरेसी नहीं होता, और दूसरी बात जो फास्ट बॉलर डालते थोड़ा स्विंग होगा या कट होगा क्या, इसीलिए हम लोग का ये प्लान था कि स्लो डालना है और फुल डालना है, फुल बॉल को गिरने के बाद ज़्यादा डिविएशन होने नहीं देना है, राइट। तो इसीलिए हम लोग वेल रन, हमारा पहले तीनों लगा, उनका एक भी नहीं लगा, बराबर। तो हम लोग वो कह रहे थे ना, वो बाद में मेरे को शोएब मलिक मिला, तो सर आपने क्या किया, बोला हमने प्रैक्टिस, हमको पता है हमारा कोच तो कुछ बताया ही नहीं, बोले इनका कोच था वो जेफ लॉसन ऑस्ट्रेलियन, हाँ, तो उससे हमारे को कॉन्फिडेंस भी मिलने लगा, फिर प्लेयर से बातें करने, क्योंकि देखो वो स्टेज में आपको मैन मैनेजमेंट भी करना, देखो मैं क्या गौतम गंभीर या सहवाग को कवर ड्राइव कैसा खेलना सिखाऊंगा, नहीं तो वो ऑलरेडी खेल रहे, तो उनको मैन मैनेजमेंट और टैक्टिक्स थोड़ा सा जो होता है कि ये सिचुएशन में हमको ये करना चाहिए, मतलब वो लेवल पे जाके आप वो बोल नहीं सकते कि तेरा एल्बो बेंड हो रहा है या तेरा बैकलिफ्ट ऐसा कर, ये कर, वो करेक्शंस नहीं हो सकते। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मतलब IPL इज ऑल अबाउट मैन मैनेजमेंट। चलो वर्ल्ड कप का जर्नी शुरू हो गया, युवराज सिंह एक नाम, मतलब वन ऑफ द माई फेवरेट प्लेयर युवराज सिंह, मेरा क्या पूरे इंडिया का ही है, ठीक है, ही वॉज द एक्स फैक्टर, अभी जैसा एक्स फैक्टर ना आप पर कहते हैं कि हार्दिक पांड्या, बेन स्टोक्स, वो बहुत बड़ा प्लेयर, बहुत बड़ा प्लेयर, लेकिन उसको इतना रिकग्निशन नहीं मिला। उसमें दो प्लेयर ऐसे थे, सहवाग तो बाद में बहुत ही बड़ा हुआ, गौतम गंभीर, ही वॉज द बेस्ट प्लेयर इन दैट होल टूर्नामेंट, ओके, लेकिन वो ओवरशैडो हो गया, ही वॉज द हाईएस्ट रन गेटर, अच्छा, हाईएस्ट रन गेटर इन T20 वर्ल्ड कप, इन टू आप देखना जाके, यस, और स्पिनर्स को तो इतना अच्छा खेलते थे, स्टेप आउट होके एक्स्ट्रा ओवर पे खेलना, स्वीप खेलना, स्पिनर्स को कट करना, राइट, बेस्ट प्लेयर में तो था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बारे में ज़्यादा कोई ज़्यादा लोग बात नहीं करते। 2 बार हो गया, 2011 में भी फाइनल में उसने 97 किया, अगर वो 97 नहीं करते हम हार जाते, क्योंकि
तब मुरलीधरन बॉलिंग को आ रहा था और मुरलीधरन को वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलता है और मुरलीधरन को उसने नेगेट कर दिया एक्चुअली उसने। देखो हम दो विकेट जल्दी खो गए थे सचिन और सहवाग, और मुझे लगा कि यू नो उसका पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट था और उसको फिर एकोलेट नहीं मिला। सब लोग धोनी धोनी के, धोनी आके लास्ट बॉल सिक्स मार दिया उसने किया तो, बट ये तो युवराज सिंह उस टूर्नामेंट में वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स में इन 2007 वर्ल्ड कप, 2007 वर्ल्ड कप अलग ही चाम है यूवी का। और वो जो मारे सब लोग जानते हैं कि उसको जो छह छक्के मारे, मैंने छह छक्के देखा हूँ मैं, एक तो रवि शतक देखा था रणजी ट्रॉफी में, अच्छा तिलक राज को मारा था तब भी मैं प्रेजेंट था, हम खेल रहे थे वो मैच, और आप ये एक ये देखा हूँ, लेकिन ये एक अलग किस्म का सिक्स था। नॉर्मली क्या होता है बैट्समैन जब मारते हैं ना तो सब मिड विकेट में रहा ये इस तरफ मारते, लेकिन आप उसके छक्के देखना उसने ऑलराउंड मारा है, फाइव एंगल्स में, फाइव एंगल्स राइट, एक्स्ट्रा कॉर्नर में मारा, पॉइंट में भी मारा है, लॉन्ग ऑन पे मारा, मिड विकेट में मारा और स्क्वायर लेग फाइनल में मारा। वो जो ग्राफ आता है तो वाइड है सब जगह, तो ऐसा बहुत कम होता है जो प्लेयर की सब जगह मार पाए। सर मैं यूवी के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा, गैरी कर्स्टन ने ऐसे कहा था युवराज अगर तूने 10,000 रन नहीं बनाए टेस्ट क्रिकेट में तो तू तेरे टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं कर, ये इतना भारी टैलेंट है युवराज सिंह। मैं भी हमेशा उसको कहता हूँ कि मैं उनके पिताजी के साथ खेला हूँ, क्योंकि अच्छा। मफतलाल में जब हम लोग खेलते थे मैं चंदू राजू योगराज भी वहाँ पे था, अच्छा और वो हमारा रूम पार्टनर होता था हमारे साथ ही, अच्छा और युवराज को हम लोग एकदम छोटा से देखा कि वो जब वो हुआ था उनको बॉम्बे ले आते थे यहाँ खेलने के लिए, लेकिन जो टैलेंट उसके पास था टैलेंट को इतना जस्टिस नहीं किया क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा नहीं किया, वो बहुत बड़ा प्लेयर था, ही कुड डेमोलिश एनी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग हो या स्पिनर्स हो, फास्ट बॉलिंग को जो हुक मारता ना आजकल बहुत कम लोग जो हुक मारता सामने, वो मे बी ड्यू टू हाई बैक लिफ्ट, हाई बैक लिफ्ट या ही यूज टू जज द बॉल वेरी अर्ली, वेरी अर्ली नो, और उसके पिताजी उसको सुबह 5 बजे उठाते थे, उठता नहीं था ना तो बकेट भर के पानी उसके आँख पर डालते और उसको रनिंग करा देते, बहुत वो बहुत मेहनती था। तो कहते हैं ना हार्ड वर्क पेज ऑफ, कभी ना कभी आपको पे ऑफ करते थे। T20 वर्ल्ड कप के बाद आपकी जर्नी आगे IPL में हुई मुंबई इंडियंस के साथ, T20 वर्ल्ड कप नया था ही, फिर एक नया धमाका आया मुंबई इंडियन प्रीमियर लीग मुंबई इंडियंस के साथ, या वो एक एक्सपीरियंस कैसा था? वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। देखो यहाँ पे आपको इंडियन टीम के प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स मैनेज करना है, राइट वहाँ पे हर एक कंट्री के लोग थे, कोई साउथ अफ्रीकन, वेस्ट इंडियन, यू नो इंग्लैंड के थे, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स भी थे, किस किस पे पाकिस्तानी प्लेयर थे, लेकिन मुंबई इंडियन में तभी नहीं थे, नहीं। तो काफ़ी प्लेयर्स और वो भी सुपरस्टार्स थे, तो उनको मैनेज करने का कैसा, यू नो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। जैसे कि शॉन पोलॉक था, बहुत बड़ा, जयसूर्या था, बहुत बड़ा प्लेयर था, यू नो तो आप नाम लो कि ऐसे प्लेयर थे मुंबई इंडियंस में तभी, तो दैट वाज अ बिग एक्सपीरियंस, उससे भी काफ़ी सीखने मिला। एक स्टार को बताना है आपको कि नहीं तू गलत कर रहा है तो कैसे बता देते आप? शायद तू गलत कर रहा है, तू नहीं हो रही है तेरे से, ऐसा हो ही सकता है, हम बता ही सकते हो, क्योंकि देखो वो प्लेयर इतना अचीव किया है, आप कैसे बताओगे? लेकिन एक चीज़ हम कहते हैं कि मेरा एक था कि मैं वीडियो लेके बता बैठा था और उनको बोलता आप देखो आप आज कैसे खेले हो, शॉट्स कैसे आउट हुए, उसको वो मैं वीडियो बता दूँ, अच्छा वो कुछ सर मेरा पाँव इधर से, मेरा बैट यहाँ से आया, मुझे कुछ बोलना जरूरत नहीं, अच्छा तो वो खुद देखते थे और खुद एनालाइज करते थे कि ये बड़े प्लेयर हैं, उनको पता है कि मुझे क्या करना है, तो मैं इतना एक ही बोलता था कल नेट में जाएंगे मुझे सर इधर थ्रो डाउन का, दैट्स इट, कॉन्वर्जेशन ओवर। और वो IPL एक नया था, पब्लिक के लिए भी नया था, प्लेयर्स के लिए भी नया था, अडॉप्ट करने में और आपको एज अ कोच अडॉप्ट करने में वक्त लगा? बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि क्या होता था हमने ये कभी देखा नहीं कि बाउंड्री लाइन पे लड़कियां नाच रही हैं, गाना गा रहे हैं, यू नो इट वॉज लाइक एन एंटरटेनमेंट, राइट या लेकिन एंटरटेनमेंट तो था, लेकिन उसको प्रोजेक्ट किया गया था कि फैमिली सब आके मैच देख सकती है, 3 घंटा जैसे हम पिक्चर में जाते तो वैसा आके, तो पब्लिक बहुत आती थी क्योंकि नया फॉर्मेट था, तो इट वाज लाइक एंटरटेनमेंट बट एट द सेम टाइम ग्राउंड पे बहुत कॉम्पिटिटिव था और हर फ्रेंचाइजी चाहता है कि मेरी टीम जीते। देखो
ये इंडियन जैसा नहीं तभी से, ये फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी आपको पैसा देती है तो आपको रिजल्ट भी देने, रिजल्ट देने, राइट। तो ये तो प्लेयर लेग के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, कोच के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है कि अगर आप जीते नहीं तो आप थैंक यू, क्योंकि ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड गेम है, फॉर्मेट है, रिजल्ट ओरिएंटेड फॉर्मेट है। लेकिन क्योंकि फ्रेंचाइजी को पता नहीं था ना पहले क्या है, लेकिन जब जैसे जैसे उन लोग गए देन दे रियलाइज कि नहीं यार हमको टाइम देना चाहिए, हमको प्लेयर लोग को भी टाइम देना चाहिए, कोचेस को भी टाइम देना चाहिए एडजस्ट होने के लिए, तो दैट थिंग अभी काफ़ी अच्छा हो सर, क्योंकि लॉट ऑफ फाइनेंसिस बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, तो इट्स अ दो इट्स अ स्पोर्ट बट किधर तो पीछे बिजनेस भी, बिजनेस भी है, तो उसके लिए फ्रेंचाइजीज को ऑफकोर्स मेरा टीम का रैंकिंग ऊपर एंड देन बिजनेस स्ट्रैटेजीज भी बहुत सारे। सचिन के साथ कैसे रपो था ड्यूरिंग IPL फेज? सचिन देखो आपको पता होगा या नहीं होगा, सचिन मेड इज डेब्यू व्हेन आई वाज कैप्टन फॉर, तो वो मुझे सर ही बोलते थे ना, तो मेरा रिलेशन बहुत अच्छा था उनसे, क्योंकि उसको जब डेब्यू किया तो मैं कप्तान था और वो मैच में आप स्कोरबोर्ड देखना मैं 99 पे रन आउट हुआ और कौन था वो विक्टिम कौन था और एक्चुअली वो मैच में सिलेक्टर का मैं नाम नहीं लूँगा, हाँ, जो चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर थे वो चाहते नहीं थे कि सचिन खेले, क्योंकि वो बहुत यंग थे और हम लोग गुजरात के साथ मैच खेले थे, लेकिन मिलिंद रेगे सिलेक्टर था, सुधीर नाइक सिलेक्टर था, अच्छा, तो मैं मिलिंद में टाटास के खेलता था, तो मैं मिलिंद को बोला यार कि मुझे हम लोग नेट में देखे, मैं राजू को बोला इसको दो तीन मार्क्स डाल के देखा, आराम से अंडर 19 में वो 200-250 करके आया था है ना, और सर का प्रेशर भी था मुझे सर कला के वाला पैसा, उसका भाई का, क्योंकि उसका भाई मेरा क्लासमेट था रुहिया कॉलेज, अजीत दादा, अजीत हाँ मेरा क्लासमेट था, तो भी बोलता था कि तैला खेला पाई जाए, लेकिन चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर बोल रहा था कि नहीं, क्योंकि बॉम्बे की एक प्रथा थी कि जब बॉम्बे टीम में आए तो उसको एक मैच एनवायरनमेंट देखने के लिए यू नो जलप होने के लिए ऐसा, लेकिन जब मैं देखा तो यार इसमें टैलेंट बहुत रन करके आता फुल, लेकिन उसने बोला कि नहीं, तो चेयरमैन मुझे टीम निकाल के दिया था, मैं बहुत परेशान था मुझे यू नो कैसा कर, मैंने बोला गया करता मैंने नाम कट के उसका रन डाला, मैं टॉस के ले गया ओके okay. और मैं लेकिन मिलिंद रेगु को बोला और सुधीर नायक को मैंने उससे बोला नहीं तुला वाटता ना बिंदास का अभी तुला बैक कर ठीक right. है तो मैंने गया टॉस जीत के आया तो चेयरमैन आया ड्रेसिंग रूम में तू क्या हमसे वैसे मोटा आला क्या मैंने सर हमसे बैटिंग अपन नंतर बोलू है ना बगतो मैंने तू पूरे कसा क्रिकेट खेलते तुम्ही कसे काय खेलते मैं बोला मेरा लास्ट मैच अच्छा मेरा लास्ट मैच ओके तो मैं बस ये सोच रहा था कि वो रन करे बस तो मैं 99 पे रन आउट हो गया आने के बाद मैं भी अपसेट था सचिन आया टी टाइम में सर सॉरी मतलब उसको भी खराब लगा कि मैं 99 पे रन आउट हो गया सामने कौन था जब आप रन आउट नहीं चलो कोई बात उसको बोला तू मेरे बारे में फिक्र मत कर आप 100 किया तो मैं बहुत खुश रहूँगा बराबर बस आप रन करो डेब्यू है मैच है आप रन करो आप किसके बारे में सोचना मानो लकीली उसने वो मैच में 100 किया वही चेयरमैन आया वेरी गुड डिसीजन वाओ मैंने बोला भगवान को यार बचा लिया बचा लिया नहीं तो मेरा वो लास्ट मैच था मेरे को खेलने मेरे को ड्रॉप कर दिया मतलब मैं चेयरमैन का सुना नहीं लेकिन मुझे मिलिंद रेगी और सुधीर नायक ने बैक किया था कि नहीं आपको लगता है बोलो हम उसको मैनेज करेंगे अगली बार लेकिन अच्छा हो गया उसने 100 किया तो पूरा पेपर में नेक्स्ट डे सचिन का ही नाम था बराबर तो उसकी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो गई उसके बाद मैं रेस्ट ऑफ इंडिया का कैप्टन था अच्छा बॉम्बे में मैच था सचिन उस मैच में भी था उस मैच में फिर 100 किया और पाकिस्तान में सेलेक्ट हुआ तो जब मैं कैप्टन था दोनों मैच में उसने 100 किया और वो टेस्ट टीम में सेलेक्ट हुआ तो मेरा अच्छा रैप हुआ मुझे अच्छा जानते हैं मतलब अभी भी कभी बात करते हैं रिस्पेक्ट से बात करते हैं तो मुझे ना वो बहुत ईजी हो गया क्योंकि इंडियन टीम में भी जब मैं था तभी सब सचिन का तो गॉड लाइक था बोलते उससे मस्ती मत करो वो बहुत संकु है वो पहले सबको बता दिया था सचिन आपके बारे में बता दिया था ये यंग टीम को हाँ कि बोला कि नहीं हाँ। वो विम्जिकल है वो मैं उनको जानता हूँ बोले तो उससे क्या हो गया सब लोग मुझे थोड़ा सा ना रिस्पेक्ट देने लगे अगर सचिन ने बोला तो सचिन बोला मीन दैट इज द लास्ट लास्ट लाइन तो मुंबई इंडियंस में भी वो था तभी मतलब और अनलकीली क्या हो गया वो 6 मैच पहले खेले थे वो इंजर्ड थे तो हमने हरभजन को कैप्टन बनाया राइट और हम लोग पहले 6 मैच 6 हारे
लेकिन हम उसके बाद कंटिन्यू सब मैच जीते। अच्छा हाँ, और हम लोग को लास्ट मैच में एक चार मैच में से हमको एक मैच जीतना था क्वालिफाई होने के लिए, हम हुए उधर हमारा थोड़ा सा हो गया। तो फर्स्ट मैच हम लोग, मैं कहता हम चैंपियन जो थे 100%, क्योंकि मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे मेरा ये कहता है कि जो तरह से हम मेहनत करते हैं कि हमको टीम को जिताना है। जिधर गया उधर, मतलब वो ऊपर वाले का है लगता है। लेकिन जहाँ जहाँ मैंने कोचिंग किया, मैंने टर्न अराउंड किया हूँ, मेरा नाम भी टर्न अराउंड हो गया वो टीम को। मैंने जो टीम थोड़ा नीचे है उसको लेवल पे लाके छोड़ देते हो, क्योंकि मेरा काम। उसके बाद जैसे आपने कहा कि फिर मुझे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का मुझे फोन आया, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट अनुराग ठाकुर थे, अफगानिस्तान टीम में कोच करके चाहते हैं, मैं आपका नाम रिकमेंड करता हूँ, मुझे पता कि मैं इंडिया ए टीम किया था, इंडियन टीम, आप उसको टर्न अराउंड कर सकते हैं। बोला कि सर लेकिन मैं काबुल तो नहीं जाऊँगा। नहीं नहीं, उससे हम बात करेंगे। तो मुझे बुलाया उनके ऑफिस में, बीसीसीआई ऑफिस में, और उनका चेयरमैन था अफगानिस्तान। ओके, तो मुझे बोला कि आप कोच करो। मैं बोला 100% करूँगा, लेकिन मेरे शर्त पर। बोला क्या आपके? बोला दो है मेरे, एक तो मैं काबुल नहीं आऊँगा और दूसरा मुझे फ्री हैंड देना है, क्योंकि मैं आपको, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको टीम को टर्न अराउंड करूँ तो मुझे वो आपको पास। अनुराग ठाकुर बैठे थे, उसने बोला नहीं नहीं आप इसको दे दो, ये आपका टीम को ये कर। जब मैंने लिया पेपर में आया, मुझे सब लोग बोलने लगे, अरे कुटे मारला चल रहा है मैंने। तो अफगानिस्तान क्रिकेट खेलती है? अच्छा हाँ, काबुल में है। दिस वाज इन ईयर 2016। तो बोला मेरे को चैलेंज लेना था ना। लेकिन तभी अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेली थी ऑस्ट्रेलिया, सॉरी 2015 वर्ल्ड कप खेली हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, मुझे मालूम नहीं लगता। हाँ हाँ, खेली थी। यस, लेफ्ट आर्म पेसर था ना उसका, वहाँ उनका कोच था इंजामुलक था तभी का कोच। तो उन लोग ने उसके बाद में उसको निकाला, फिर मुझे तो दो शर्त थे, एक तो फिर अनुराग ने बोला मैं आपको ग्राउंड दूंगा नोएडा का, आप उधर प्रैक्टिस। बोला ठीक है। तो हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ। कल्चर का डिफरेंस होता है, इंडियन कल्चर उनका, लेकिन उनके साथ क्या था, उन लोग ज़्यादा इंग्लिश बात नहीं करते लेकिन हिंदी बोलते हैं काफ़ी। तो मैं बोला आप लोग हिंदी कैसे बोलते हैं? सर हमारा दिन रात हम इंडियन पिक्चर ही देखते हैं। तो उन लोग इंडियन पिक्चर का बहुत देश हो। अच्छा, उन लोग बात करते हैं पेस्टो, उनका मदर लैंग्वेज पेस्टो है। लेकिन जो जो पढ़े जैसा नबी था राशिद, इन लोग अच्छे इंग्लिश ही बोलते हैं। लेकिन काफ़ी, तो हमारा जर्नी उससे स्टार्ट हो गया। तो मैंने उनको बात किया, मैंने बोला कि आपको सिर्फ वाइट बॉल खेलना है कि आपको टेस्ट की, क्योंकि उन लोग का फॉर्मेट में यही था कि उन लोग मार धाड़ करने वाले थे। T20 का फॉर्मेट मारना। तो उनको मैं दिमाग लगा, देखो आपको T20 खेलने से लोग इतना ज़्यादा पहचाने गए, लेकिन आप टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो आपको ज़्यादा पहचाने, तो आपको अपना कंट्री को टेस्ट क्रिकेट लाना। तो बोला कैसे लाएंगे? बोला हमको टेस्ट क्रिकेट ICC से मिलना है, अगर हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हम ICC के बाद जा सकते, देखो हमारा क्रिकेट अच्छा बढ़ रहा है। बोला वो सर कैसे? बोला जो भी टूर है हम सब जीतना है। अच्छा, सब जीतना है, हमको हारना नहीं है। बोला सर वो कैसे होगा? बोला होगा, अगर आप चाहते तो होगा, मैं नहीं, आप चाहते तो होगा। तो बोला नहीं कैसे होगा? मैं बोला आपको मेहनत करना है, जो मैं कहूँगा वो करना है। सर डन। ओके ओके। बोला देखो पीछे नहीं हटना। हाँ, तो हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट किया उससे। मैं बोला आपको हर एक बैट्समैन को एक एक घंटा बैटिंग करना है। बराबर, हम सुबह 9 बजे स्टार्ट करते थे, शाम को 5 बजे करते। अच्छा, बीच में लंच के लिए वो शाम को आते थे। सर मेरा बहुत बैक दुख गया, क्योंकि किसी को एक एक घंटा बैटिंग करने का आदत ही नहीं थी, क्योंकि वो T20 3 घंटे में मैच खत्म, 3 घंटे में मैच खत्म, क्योंकि आपको टेस्ट क्रिकेट खेला तो आपको अखा दिन बैटिंग करना है। तो मैंने उनको वो स्टार्ट किया कि आपको अखा दिन बैटिंग करना, अभी आपका मुंबई का खलुस क्रिकेटर बाहर आ गया। तो फिर उन्होंने बोलने के सर आप, बोले कि नहीं, लेकिन मेरे से भी ज़्यादा उन लोग, मैं उनको बोलता ना कि आज आपको आधा घंटा भागना है, सर ने आज हम 1 घंटा भागेंगे। अच्छा, तो मेरा छाती बढ़ता था। बोला यार ये तो मज़ा आएगा। आप बोला कि ऐसा टीम चाहिए मुझे, यू वोंट बिलीव, उन लोग मेहनत है ना, कोई भी मुझे नहीं देखा, इवन इंडियन टीम इतना पैदा कभी नहीं करती। अच्छा, रशीद खान मुझे हमेशा पूछा, सर मुझे लेग स्पिन नहीं आती। बोला छोड़ दो, तुम जो है उसमें कॉन्सेंट्रेट करो, मैं कैसे अच्छा हूँ।
तो उसको मैंने अनिल कुंबले का उदाहरण दिया। हाँ, बोला अनिल कुंबले कितना बड़ा स्पिनर था? नहीं सर, तेज जाता था। बोला अभी आप अपना टारगेट बोलिंग करना है, आपको खाली स्टम्प टू स्टम्प डालना है। अच्छा, हमारा नेट पेटी का था ना, वो एक एक घंटा में उसको एक रुमाल रखता था, तभी तो कुछ था भी नहीं सर, रुमाल है, बोला इस पर डालना है। वैसे वो प्लेयर लोग। फिर बाद में मैंने, आप रशीद को पूछ सकते हैं, लक्ष्मण को भी पूछ सकते हैं। हाँ, तो 2017 में हाँ मुझे उसने बोला कि सर मुझे आईपीएल पी एल बोला ठीक है बात करता हूँ। तो हाँ, मैंने पहला सहवाग को फोन किया। हाँ, सहवाग पंजाब के कोच थे। बराबर। बोला सर मेरे पास तो ऑलरेडी एक लेग स्पिनर है। हाँ, तो फिर मैंने गौतम गंभीर को फ़ोन किया। हाँ, वो केकेआर के कप्तान थे। अच्छा, उसने मुझे बोला सर मेरे पास नारायण है सुनील। हाँ, तो मैं फिर मैंने लक्ष्मण को फोन किया हैदराबाद। लक्ष्मण मेरे पास दो प्लेयर हैं, आप देखना उसको लेना मत। हाँ, आप खाली नेट को बुलाओ और हाँ, देखो। तो लालू भाई आप बोल रहे तो कुछ भी, मैं इंडियन में लक्ष्मण के साथ लक्ष्मण भी देखा कि मैं बहुत सिंसियर हूँ और ऐसा किसी का नाम नहीं दूंगा। आप बोल रहे हो, बोला आप उसको पैसा मत दो। हाँ, आप उसको कहें नेट में बुलाओ देखने का। हाँ, तो उसने उसको नेट पर बुलाया। अच्छा, प्रॉपर ट्रायल्स ट्रायल्स फ़ोन किया, बोला ये तो बहुत अच्छा है। बोला फिर उसका मिनिमम प्राइस था तभी आपको जो देना दो, लेकिन उसको उसने पहले साल ही हिस्ट्री कर दिया। अच्छा, उसके बाद उसका ग्राफ भी ऊपर गया वो, उसके बाद बिग बैश सब जगह वो वर्ल्ड का नंबर वन बॉलर बन गया। अभी तो आजकल तो जिधर लीग है वहाँ पे राशिद खान, राशिद खान जस्ट लाइक पोलैंड, जिधर लीग आएगा वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। तो हम लोग ने उस साल हम सब टूर्नामेंट जीते हाँ अफगानिस्तान से। फिर लोगों ने ICC को लिखा कि हम लोग अभी सब हम लोग को टेस्ट स्टेटस चाहिए, तो ICC ने उनको टेस्ट स्टेटस उनको और आयरलैंड दो टीम को दिया। उससे पहले एक टीम हम नहीं देंगे तो दोनों टीम। राइट राइट। जब उनका ICC से ये हो गया टेस्ट स्टेटस, तो उनके बोर्ड में थोड़ा बोला कि सर आपने टर्न अराउंड कर दिया, ये कर दिया, अभी आप हमारे ए टीम अंडर 19 में भी बोला ठीक है आप भेज दो नोएडा। तो उन लोग बोला कि सर नेशनल टीम को भेजना कॉस्ट भी है, लेकिन मैं 20 प्लेयर अंडर 19 का, 20 प्लेयर ए टीम का नहीं भेज पाऊंगा, इधर आप अकेले वहाँ आएंगे तो अच्छा होगा। मैंने बोला नहीं थैंक यू वेरी मच। तब काबुल में, हाँ काबुल में, बोला कि नहीं। तब मैंने काबुल में है उनका सेटअप है, ग्राउंड बनाए हैं, बनाए हैं। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे देखो हर दूसरा दिन बॉम्ब फूटता था अभी यार। राइट। तो मैं बोला कि नहीं। 2018 में मैंने फिर वेट किया और फिर उसके बाद आपने देखो ये भगवान का है, मैं तो हमेशा मानता हूँ। एक भी दब आया तो पेपर में आ गया कि मैं जा नहीं रहा हूँ अफगानिस्तान, आई एम नॉट यू नो। एक वीक के बाद मुझे जिम्बाब्वे से फोन आया उनका MD का। अच्छा, क्योंकि जिम्बाब्वे 2019 में क्वालिफाई नहीं हुई थी, तो उन्होंने सब उनका कोचर को सैक कर दिया, हीथ स्ट्रीक, लांस क्लूजनर बैटिंग को सब कुछ सैक कर दिया। तो देवर लुकिंग फॉर अ कोच, ओके, हु कैन चेंज द टीम। तो उनको पता है क्योंकि हम अफगानिस्तान से हम जिम्बाब्वे गए थे और जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे मारा। अच्छा, तभी देख लिया था मुझे। हाँ, तो उन्होंने मुझे फोन किया, बोला सर वी जस्ट हर्ड दैट आप नहीं जाते, आप कोचिंग कर सकते हैं। बोला मुझे टाइम दो क्योंकि मैं जस्ट एक हफ्ते हुआ था। बोला मैं सोच के आपको बताता हूँ, मैं क्यों नहीं समझा। बोला ठीक है, बोला आप टाइम लो। फिर मैंने भूल गया था, वो फिर एक हफ्ते बाद मुझे फ़ोन किया। अच्छा, फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं पहला आके देखता हूँ, क्योंकि लोग बोलते थे ना कि वहाँ पे रात को डर लगते हैं, ये होता है, जैसा जैसा। मैं बोला पहले आके मुझे एक महीना देना, फिर मैं देन विल डिसाइड। बोला ठीक है, बोले एक सीरीज़ है, आप वो सीरीज़ करो, उसके बाद हम डिसाइड करें। ओके। तो वो सीरीज़ के लिए मैं गया और वो सीरीज थी पाकिस्तान की, बड़ी टीम। ओके। मेरा चैलेंज सर आपको करना है। मेरे को तो तभी आप इंटरिम कोच थे। हाँ, इंटरिम एक महीने के, एक महीने के लिए। ओके। तो मैं गया, कैंप लिया एक 10 दिन का। हाँ, अभी प्रिपेयर सब अच्छा, सब प्रिपेयर किया। और मैच के पहले दिन उनका वहाँ वो ब्लैक एंड वो 8 जन ने बॉयकट कर लिया, हम नहीं खेलेंगे पे डिस्प्यूट। ओके। लेकिन ये परेशान हो गया यार, इतना मेहनत किया हूँ मैंने 10 दिन से। हाँ, अभी कोई खेलेगा नहीं, क्योंकि 8 में सब बड़े प्लेयर, ब्रेंडन टेलर, शॉन विलियम, सिकंदर राजा, क्रेग अरवाइन, कायल जार्विस, पीजे मोर, और 8 लोग थे। तो उनका MD परेशान हो गया, रात को मीटिंग। हाँ, कल मैच है बराबर, और वो भी बड़ा टीम, बड़ा टीम पाकिस्तान के साथ यार। हाँ, और वॉकआउट तो दे नहीं सकते बिकॉज इन ICC इवेंट। राइट। मैंने उसको बोला कोई चिंता नहीं, आप जो भी दूसरे प्लेयर ले लो, जो हमारे 15 में नहीं था ना उनको ले लो। हाँ, हम कम्पीट नहीं करेंगे, लेकिन यू गिव इट द प्रेस कि दीज प्लेयर्स
लोग बॉयकॉट किया, इसलिए हम लोग का अभी सेकेंड टीम है, तो पीपल शुड नॉट थिंक दैट यू नो वी आर नॉट कम्पीटिंग करके उन्होंने ऐसा बोला, आप एक स्टेटमेंट दे दो। तो हम लोग पहले मैच पाकिस्तान गया, हम लोग 105 ऑल आउट हो गए। अच्छा, नहीं हमारे टीम आठ पे थे तो बाकी लोग तो पेस को खेल ही नहीं पा रहे। सेकेंड मैच 100 से हमने 150 किया। अच्छा, सेम टीम? सेम टीम, सेम टीम। तो मैंने उनको बिठाया, मैंने बोला देखो आपसे मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, पता है आप लोग को इतना फास्ट बॉलिंग खेल रहे हो, शाइन अप और उनके पास और रॉफ हाँ 140 मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, आप फ्री खेलो, आपके ऊपर मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगले तीन मैच और खेलोगे। अच्छा, मैं बोला कोई कोई नहीं, चेंज नहीं होगा। हाँ, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। नेक्स्ट मैच हम 150 से 210 की हारे, हम तीनों मैच हारे, लेकिन हमारा प्रोग्रेस हुआ। फिर मैंने उनसे बात किया, मैं बोला देखो लेकिन प्लेयर सब खुश थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप नहीं जा, आपको हम 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते। बोले बोला यार उन्होंने प्लेयर से बात की होंगी गवर्नमेंट से, तो बोला कि नहीं आपका मेथड, आप जो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं और इस हिसाब से बोले हम आपको 3 साल का देंगे। ठीक है, फिर मैंने देखा कि उनका प्लेयर लोग भी तो अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे थे मुझे, टू कम वाओ। तो वहाँ से जिम्बाब्वे का सफर शुरू हो गया, जिम्बाब्वे प्रोग्रेस किया, वो तो अभी दिख रहे हैं, मतलब क्वालिफायर से लगाया, क्वालिफाई नहीं हुए थे, नहीं 2019 में तो नहीं हुए थे, अभी 22 के लिए नहीं, मतलब 15 साल पहले से नहीं है T20 वर्ल्ड कप, दिस इज देयर फर्स्ट। चलो आगे क्वालिफायर में, ओके अभी आपका रोल क्या है जिम्बाब्वे के साथ? अभी मैं 4 साल से मैं लगा हूँ, मेरा एक ख्वाहिश था कि उनको क्वालिफाई करा, राइट। तो जब क्वालिफाई हो गए तो मैंने MD को बोला देखो मेरा ये था, आपका भी ये था, तो बोला नो 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 आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं बोला मेरे को थोड़ा रिलीज करो, तो बोला नहीं यू विल नाउ लुक आफ्टर होल ऑफ जिम्बाब्वे क्रिकेट, मुझे भी टेक्निकल डायरेक्टर ऑफ जिम्बाब्वे क्रिकेट। सो जूनियर क्रिकेट, ए टीम और नेशनल, वुमेन क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट भी, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, नहीं नहीं, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा मुझे, सी आई वॉन्ट लिटिल बिट मोर टाइम, मैं चाहता हूँ कि मैं टाइम बिताऊँ फैमिली के साथ, क्योंकि वहाँ पर जाएगा ना 5-6 महीना, फिर मंगेश जैसा मुझे फ़ोन करता है कब आ रहे हैं, आज फंक्शन है, मतलब फैमिली से बहुत लंबा होता है, right. होता है क्योंकि मैं ये इतना जो अपना आपका जो क्रिकेटिंग जर्नी है ना सर, चलो जिम्बाब्वे के साथ तो बेस्ट विशेज आपको कि आई होप कि जिम्बाब्वे 2023 वर्ल्ड कप में भी एक डिसेंट लेवल तक पहुँचे, ओके, बिकॉज इट विल टेक अ टाइम, स्लोली ग्रेजुअली वो इम्प्रूवमेंट होगा और वो दिख रहा भी है टीम में। अभी हमको 2020 नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप 50 ओवर के लिए भी हमको क्वालीफायर खेलना है, प्रिपेयर भी करने उसके लिए, अभी आप जाओगे तो बेस्ट विशेज। अभी मैंने उनके लिए अभी से प्रिपेयर चालू कर दिया है, मैंने 23 का प्लेयर निकाला हूँ, उनको बॉम्बे बुला रहा हूँ। वाओ, कैंप के लिए? कैंप के लिए 1 महीना रनिंग वेट पे खेलेगा, बराबर। तो विजय पटेल का उधर एक ग्राउंड देखा है। अच्छा, तो बॉम्बे में आके खेलेंगे जैसे मुंबई के साथ या यू नो क्लब साइड, क्लब साइड से उनको वो मट्टी का क्रिकेट खिलाऊंगा, लाल मिट्टी वाले, हाँ, टर्निंग विकेट पे कैसे खेलना, क्योंकि जब आप आओगे इंडिया में तो वही करेक्ट ऐसे ही ग्राउंड मिलेगा, वो ऐसा क्ले वाला नहीं है कि नहीं आ रहे हो वैसा, तो उनको वो टफ क्रिकेट, टफ क्रिकेट है। अंडर 19 की टीम भी आएगी, क्योंकि अंडर 19 का वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर है, तो उनको भी प्रिपेयर करना, क्योंकि लोग प्रिपेयर, ये सब हमने सीखा सर से, आशीर्वाद सर, क्योंकि यहाँ मुंबई का हम लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वही अभी उनको प्रिपेयर करके उनकी टीम को भी, क्योंकि अगर आपका अंडर 19 टीम स्ट्रॉन्ग होगा तो वही प्लेयर आपको नेशनल टीम में मिलेंगे, तो अभी से प्रिपेयर करो। अंडर 19 में अभी खेला तो 3-4 साल में उसको नेशनल टीम में खेलना, इंडियन टीम में 2 साल, ए टीम का जो है ना, ए टीम का जो प्लेयर है उसको 2 साल में नेशनल टीम में आना है, तो मैं ऐसा बैकवर्ड चलता हूँ, तो वो हिसाब से आप अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, प्लान सुन के तो बहुत काफ़ी अच्छा लगा, मतलब एज अ कोच आपको काफ़ी सोचना पड़ता है और उतना इम्प्लीमेंट करना है, उससे निकालना है क्या अभी उस प्लेयर से? देखो अभी ये टीम में है ना, हाँ, वेस्ली मेडेवरा, मैंने 4 लोग अंडर 19 से लिया था, अच्छा, 1 साल पहले, वो लोग भी अंडर 19 खेल के आए, मैं बोला ये 4 के मैं देखा इनमें बिल्कुल थोड़ा टैलेंट है, वो बोला नहीं सर उन लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेले, बोला दैट इज माई जॉब, आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे हायर किए ना, तो एक था कि उन लोग बहुत मुझे जो बोल चाहता था, तो वो 4 वेस्ली मेडेवरा, मिल्टन शुम्बा, रिचर्ड गरावा, जो आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर देखे ना, वो मैं क्लब क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते ना अपना, वैसा को मैदान में खेल रहा था, तो मैं ऐसा, क्योंकि हमारे पास कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं था, तो उनको बोला हम मुझे ले जाओ देखने के लिए जहाँ क्लब क्रिकेट होता है, तो ये क्लब क्रिकेट खेल रहा था, अच्छा, तो उसका स्पेस था अच्छा, बॉय उसको बोला उसको बुलाते हैं नेट में,
बोला कि सर ये तो फर्स्ट क्लास भी नहीं खेला, हम कैसे लेते हैं उसको चेयरमैन ऑफ सेडर। मैं बोला नहीं तो इसको पहला फर्स्ट क्लास खिला दो अभी तो। नहीं सर कैसे खिलाएगा, कुछ खेला ही नहीं है। बोला कुछ नहीं आप खिलाओ, नहीं तो मैं डायरेक्ट खिलाऊंगा नेशनल में। वो खाली 21 साल का, 21-22 साल का टैलेंट स्पॉट किया। हाँ मैं हर कंट्री में जाता था, बुलवायो मोटारे उनका जो सिटी है ना, वहाँ जाके ऐसा बैठ जाता, कुछ पता नहीं था कौन आया, मैं बैठता, कोई दिक्कत था कोई अच्छा मिला तो उसको नेट में बुला बुला दो। तो इसलिए अभी इसमें खाली 4 ही लोग सीनियर रह गए अभी, बराबर जैसे शॉन मिलर, राजा, क्रेग अरबाई और चटारा, और रायन बोल्ड। रायन बोल्ड तो 27 साल। लेकिन ये लोग को काफ़ी काउंटी एक्सपीरियंस काफ़ी है इंग्लिश क्रिकेट का वगैरह, ये लोग उधर जाके शॉन विलियम्स खेला है, यही गोरे लोग खेलते हैं, बाकी लोग उनका अच्छा, उनका जो डोमेस्टिक क्रिकेट जैसा अपना रणजी ट्रॉफी है ना, हाँ उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कितना टीम होना चाहिए? रहेगा 10-12 टीम, 4 टीम बस, दैट्स इट। मैंने बोला ऐसा नहीं होगा सर, 4 टीम में आपको खाली 50 प्लेयर में चूज करना है, कोई भी प्लेयर आप चूज करें, आप बढ़ाओ टीम। हाँ तो इसके साथ लास्ट ईयर 5 टीम किया, अभी 6 टीम, तो 6 टीम करें तो आपको ज़्यादा प्लेयर्स मिलेगा। अभी वर्ल्ड कप भी देखो अभी खेल रहे, तो अभी और भी ज़्यादा उत्सुकता होगी। हाँ क्योंकि क्या है उनके पास पैसा नहीं है, एक तो और जिम्बाब्वे की फैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ गई, ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं कि बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कोचेज है तो चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन मुझे बताइए डर है कोई चीज़ का, डरते हो किसी चीज़ से? नहीं, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में कोई भी लाइफ में कभी डरा नहीं, डरे नहीं, जो ये लिखा है वही होगा, आप उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, या कोई मेरे से छीन भी नहीं सकता। अच्छा, लेकिन मेरा काम है मेहनत करना। हाँ। मैं मेहनत में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, भले हम 6 मैच हारेंगे। हाँ कोई प्रॉब्लम। अच्छा, क्योंकि इसके थ्रू मैं गया हूँ काफ़ी दफ़ा, हम लोग क्लब क्रिकेट भी खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी भी खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी भी हम लोग काफ़ी, अभी जैसे अपने लास्ट 4-5 साल हम लोग रणजी ट्रॉफी जीते हैं, तो वो फेस तो आता है हर एक क्रिकेट कर दिया, लेकिन आपको आपके कैपेबिलिटीज को आपको ये करना पड़ेगा कि नहीं, बैक करना पड़ेगा कि नहीं यार ठीक है ये एक फेज है, ये चला जाएगा। ओके हाँ, तो आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी मैं स्ट्रिक्ट भी होता हूँ, किसी को डंडा भी चाहिए, किसी को पैर भी चाहिए, तो वो हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ता है। कोई कोई प्लेयर लोग आपको ग्रांटेड लेते हैं, तो वो भी आपको देखना है कौन प्लेयर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्लेयर को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ, ये प्लेयर को मैं कैसे हैंडल करना है, इसको मैं कैसे, तो हर एक जैसे कि अभी 5 उंगली सेम नहीं होती, हर एक उंगली अलग होती, तो हर एक का माइंडसेट और उसका ग्रास्पिंग पावर अलग होता है, अलग, तो इसलिए आप एक ही सोल्यूशन एक को नहीं दे सकते, आपको अलग अलग उसको, जैसे कि भी एक प्लेयर है, बैट्समैन है हमारा रिजिश चकाबा करके जो विकेट, हाँ। वो ऑन साइड का किंग है। ओके, बहुत अच्छा खेलता है ऑन साइड, तो उसको मैंने बोला कि देखो आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा आपको कोई डालेगा नहीं उधर, हाँ। फिर आप क्या करोगे, आपका ऑप्शन क्या है? तो मैं, हाँ तो मैं इधर आके इधर मारूंगा। बोला कितना बार मारोगे? फिर मैंने बोला कि आपको ऑफ साइड गेम खेलना, अभी आप देखना वो स्क्वायर कट भी अच्छा करते हैं, एक्स्ट्रा कॉर भी अच्छा मारते हैं और इधर भी मार रहे हैं, तो उनको डेवलपर उनको बताया जाता है कि उसके लिए मेहनत भी करना, तो उन लोग मेहनत भी करते हैं, तो एज अ कोच आपको करना है कि इसको, तो कोई कोई कोच क्या होते हैं उसको खाली बोलेगा कि ऑफ साइड खेलो, ऑफ साइड उसका नेचुरल जो ऑन साइड वो चला जाएगा। मैं बोला नहीं, ऑन साइड खेलना है, उसके साथ में आपको इसको इम्प्रूव करना है, तो आपका जो नेगेटिव है या वीकनेस है वो वीकनेस को आप पॉजिटिव कैसा बनाओ, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो, आपके अगर सपोज 3 वीकनेसेस है आप उसको एक कम करेगा तो आपका पॉजिटिव हो गया ना, एक बार तो आपका 2 ही बच गया, तो हर एक वीकनेस में आप एक एक धीरे 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 उसको पॉजिटिव। फ्री टाइम में मिस्टर लालचंद राजपूत क्या करते हैं, अगर कोचिंग नहीं करते तो क्या है हॉबी, क्या है हॉबी? में जैसे कि टीवी का मुझे जो कहते हैं ना जैसा कपिल शर्मा शो है, लेकिन मैं मराठी का बहुत बड़ा फैन। अच्छा, मैं फू बाय फू देखता था। अच्छा, मैं हास्य जत्रा देखता हूँ। अच्छा, या ये सब मुझे बहुत पसंद है, मतलब कॉमेडी अच्छा, कॉमेडी अच्छा लगता है, ताकि आपका माइंड भी उससे अच्छा होता है, आप हंसते ना तो आप देखते हैं तो आपका जो प्रेशर होता है वो सब निकल जाता है। कोचिंग में इसको आइडल मानते हो? मैं एक तो आप पागल हो जाओगे, मेरा आइडल था एलेक्स फर्ग्यूसन फुटबॉल का कोच। अच्छा, हाँ। और जोस मॉरिन, और ये दो को मैं मिला भी हूँ वहाँ पे इंग्लैंड में, फर्ग्यूसन को,
मैं उनको देख के कैसे वो टीम्स को करते हैं, मैनेज करते रहे, वो एक था। और कोचिंग में आचार्य सर तो थे, हमने उनसे काफ़ी सीखे हैं। और जो पाकिस्तान के कोच थे ना, जो एक्सपायर हो गए, बॉब बुलमा, उसको मैं बहुत क्लोजली फॉलो। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके के आपके किस्से और कहानियाँ बताएं, खास करके 1991 का रणजी फाइनल, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को ऐसा लगा कि मैंने बुक पढ़ लिया आधे एक एक घंटे के अंदर, जब 91 का मैच करता था हमारे ऐसे खड़े हुए गूज़बम्प्स। इट वॉज अमेजिंग, रियली नाइस टॉकिंग टू यू। जरा एक बार इस कैमरा के पास देख के बोल दीजिए, ट्रिकी माइंड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका तो लोग सुनेंगे। नया चैनल है, नया चैनल है लेकिन बहुत मज़ेदार है, तो ट्रिकी माइंड्स को प्लीज़ फॉलो करिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, ये थी कहानी मिस्टर लालचंद राजपूत की। ओके, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये कहानी काफ़ी पसंद आई है। तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप और कोई सेलिब्रिटीज़ को जानना चाहते हो हम उनसे बात करें, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमें बताइए जी। थैंक यू सर, थैंक यू।